हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट शो दैट द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स ऑफ द गिवन फोर्स फॉर द फॉलोइंग केस व्हेन फर्स्ट फोर्स इज कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल फोर्स। पार्ट बी, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 केजी। व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन 4 सेकंड, और 0 टी ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 सेकंड। सेकंड, impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 second, consider one dimensional motion only. So basically हमारे पास यहाँ दो पार्ट गिवन है और दो ही पार्ट में हमारे पास उसके भी दो दो पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट और सेकंड। इसका फर्स्ट और सेकंड सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम, वो की कॉन्सेप्ट फॉर पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमसे बोला है कि हमें शो करना है कि जो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, जो फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, जो वेरिएबल होता है, वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो हमें पता है जब ए फर्स्ट के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट, तो जो इंपल्स होता है, इंपल्स को जे या आई से नोट करते हैं, जे और आई, वो इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम के इक्वल, ठीक है। सेकंड, जब अगर हमारे पास फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स इज वेरिंग या वेरिएबल में है, फोर्स इज वेरिंग, अगर फोर्स बदल रहा है, तो जो इंपल्स होता है जे, वो हम देते हैं इंटीग्रेशन से टी वन टू टी टू एफ ऑफ टी फंक्शन फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम इनटू डीटी। और बेसिकली यहाँ भी ये टी नहीं होता है, डेल्टा टी होता है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूला, अगर हमें शो करना है कि ग्राफ से भी यही आता है, ठीक है। और पार्ट बी जो है, बी में जो इंपल्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे फॉर बी के लिए। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम क्या होता है, एम वी टू माइनस वी वन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले फॉर पार्ट बी, ठीक है। तो देखते हैं ए में ग्राफ। तो बोला है कि पहले फोर्स कॉन्स्टेंट है उसके लिए बताओ। सो लेट मी ड्रॉ फोर फर्स्ट पार्ट। फोर्स इज कॉन्स्टेंट। सो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो उसमें अगर हम देखेंगे, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ओके, अगर ये मेरे पास ये फोर्स है वाई एक्सिस पर, ये टाइम है एक्स एक्सिस पर, टाइम, और ये फोर्स है। उन्होंने बोला है कि फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है ये, या फोर्स यहाँ पे वैल्यू अगर एफ है, और ये टाइम टी है, इस टाइम तक, टी टाइम तक। तो हमें बताने से इसका एरिया है क्या, वो फोर्स इंटू टाइम के बराबर है। लेट्स चेक। तो जो एरिया अंडर कर्व होगा इसके लिए, एरिया, लेट मी चेंज कलर पेन, एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ जो होगा इसका, वो कितना होगा। ये क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। अगर इसको नाम दूं ओ ए बी सी, तो इसका क्या होगा, ये एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल ऑफ ओ ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास OA इंटू OT, लेंथ इंटू ब्रिज, OA इंटू OC, तो OA कितना है, मैं एफ गिवन है, OT कितना है, अगर यहाँ T इज इक्वल टू जीरो था, अगर मैं T1 मान लेता, तो हो जाता T2 माइनस T1 हो जाता, लेकिन अगर ये जीरो से शुरू हो रहा है, तो हो जाएगा T, तो क्योंकि इनिशियली टाइम क्या था, जीरो, अदरवाइज ये डेल्टा T ही आता। तो एरिया अंडर कर्व क्या है, फोर्स इंटू टाइम, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, आई के। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो एरिया अंडर कर्व होता है फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इम्पल्स के इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। जब हमारे पास क्या बोला है, उन्होंने कहा फोर्स क्या कर जाए, फोर्स वेरी करे, तो सेकंड फॉर वेरिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। सो अगर ये फोर्स है और ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, और ये फोर्स, तो अगर वेरी कर रहा है, तो लेट मी शो दिस लाइक, ठीक है। तो अगर ये इनिशियली टाइम ऑफ जीरो पर ना होगा, अगर मैं मान लू टी वन है, एक्स इज जीरो, और ये टी टू है, ग्राफ कुछ इस टाइप से है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो ग्राफ का एरिया निकालने के लिए मेथड होता है कि हम एक छोटे से स्ट्रिप लें, उस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें। कि अगर मैं सपोज करो मैंने स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो लेंथ है, वो डी टी है यहाँ पर, और ये जो है, ये यहाँ पर जितना फोर्स है, वो छोटी सी स्ट्रिप के लिए, अगर ये डी एफ है,
ये df है अगर छोटी स्ट्रिप के लिए, और ये यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, ये कर्व जो गिवन है वो फंक्शन के फोर्स के टाइम में गिवन है, सॉरी ये जो कर्व गिवन है ये फोर्स इन द टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी कॉल दिस ए बी सी एंड डी। तो अगर मुझे इसका पूरे का एरिया निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लूंगा छोटे का, वो हो जाएगा मेरे पास डीए, और फिर उसका क्या कर देंगे पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, तो मेरे पास इसका पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो जो वेरिएबल फोर्स के लिए होगा तो डीए होगा वो किसके इक्वल होगा, ये एक रेक्टेंगल बनना है छोटा सा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी तो इक्वल है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी कितना है यहां से अगर मैं देखा जाए तो डी ए बी है मेरे पास, ए बी किसके इक्वल है, फोर्स टाइम के इक्वल है, ठीक है, और बी सी डी टी के इक्वल है, क्लियर है। तो यहां से तो हमें क्या निकालना है, कंप्लीट एरिया, तो कंप्लीट एरिया क्या होगा, तो कंप्लीट एरिया हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल दिस स्ट्रिप का एरिया, इसका जो इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक कर देंगे, टी वन से लेकर टी टू तक, तो टी वन से लेकर टी टू तक, तो एरिया हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ टी वन टू टी टू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और ये किसके इक्वल है, इम्पल्स फॉर द वेरिएबल फोर्स, ये भी हमने शो कर दिया, तो पार्ट ए इज कंप्लीट, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो अब पार्ट बी में क्या बोला है, पार्ट बी में हमें एक ग्राफ गिवन है और हमसे कुछ वैल्यूज पूछे हैं, तो लेट मी ड्रॉ दिस कर्व फर्स्ट। सो पार्ट बी के लिए लेट मी राइट, इस टाइप से एक गिवन है हमारे पास डायग्राम, ये पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, तो पोजीशन एंड टाइम उसने बोला है यहाँ से, ये कुछ पहले तो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली होता है, प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये थ्री हो जाता है और ये नीचे यहाँ पर फोर हो जाता है, उसके बाद ये जो है पोजीशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये कर्व गिवन है, तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पहले तो पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन जीरो टी ग्रेटर देन फोर सेकंड एंड इसके बीच का, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है पहले, लेट मी चेंज कलर पेन, सो अच्छा से पहले पूछा है फोर टी लेस देन जीरो, तो टी लेस देन जीरो का मतलब तो ये हो गया कि टी जीरो से भी कम है, तो अगर टी जीरो से कम है तो पोजीशन जीरो पर है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर है। तो इसको करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, पर जो पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होता है, एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या देता है, वो हमें देता है वेलोसिटी। कैसे, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dx by dt, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, और फिर हमें पता है एक्सेलरेशन भी क्या होता है, dv by dt, तो हम ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे, और फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और तो dv by dt का मतलब क्या होता है, यहां से d square x by dt square, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dt। तो देखो जब 4t less than 0 है तो x ही 0 है, अगर x ही 0 है तो v क्या होगा, 0 होगा, v 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा इसके लिए, जीरो। फिर इसी में क्या पूछा है, फोर टी ग्रेटर देन फोर सेकंड, इसमें बोला है फोर टी ग्रेटर देन फोर सेकंड, ये देखा था, फोर टी ग्रेटर देन फोर सेकंड, ओके। अगर टी फोर सेकंड से बड़ा, यानी कि इस वाले पार्ट की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स इज कॉन्स्टेंट, एक्स क्या हो रहा है, यहां से कॉन्स्टेंट है, अगर x कॉन्स्टेंट है यानी कि पार्टिकल की पोजिशन चेंज ही नहीं हो रही है, पार्टिकल पोजिशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। खुद ही देख लो, अगर x कॉन्स्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी या फिर स्लोप देख लो, अगर स्लोप देखा जाए तो स्लोप भी कितनी है इसकी, जीरो है, तो जीरो हो गई, तो v इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो, तो इस कंडीशन में फोर्स कितना होगा, इस पर जीरो होगा। फिर क्या पूछा है, फोर टी ग्रेटर देन 4 t greater than 0 and less than 4, तो इस बार क्या पूछा है हमारे पास, यहाँ पे पूछा है कि अगर t greater than 0 है, 0 से लेकर इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए पूछा है, ये वाला कर्व के लिए, तो t greater than 0 और 4 के बीच में क्या क्या हो रहा है, तो t greater than 0 के बीच में स्लोप कितना है, तो स्लोप क्या होता है, एंगल, तो ये हम निकालेंगे कितना होगा, tan theta is equal to 3 by 4, तो स्लोप कितना है यहाँ पर इसके बीच में, स्लोप इज इक्वल टू 3 बाय 4, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आगे 3 बाय
फोर, लेकिन ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सलेशन क्या आएगी, एक्सलेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। अगर एक्सलेशन जीरो है तो फोर्स भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमें पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहां से तीनों ही केसेस में फोर्स क्या आया है, जीरो आया है। और इसका सेकंड पार्ट और पूछा है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इम्पल्स का, आपको पूछा है वो देखते हैं। इम्पल्स पूछा है हमसे दो केसेस में पूछा है, इम्पल्स फॉर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो इम्पल्स फॉर टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो लेट मी ड्रॉ दिस कर्व अगेन। इट वॉज लाइक दिस, दिस वॉज टाइम, दिस इज पोजिशन, एंड दिस इज लाइक दिस फॉर 3 सेट पोजिशन, एंड दिस ये 4 सेकेंड था, ये 3 सेकेंड था, और ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जा रहा था। और मास हमें गिवन है इस बार ऑब्जेक्ट का कितना था वो भी देख लेते हैं। मास ऑफ पार्टिकल, पोजिशन टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। सो ये लेट मी और नेक्स्ट पेज, सो इट वॉज 4 kg। ठीक है, तो इम्पल्स पूछा है, इम्पल्स, ओके लेट मी चेंज कलर पेन। इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर अगर वो चलना शुरू हो रहा है तो कहां पे जाता है, उसका 4 तक, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 3/4 है। तो वही हम यहाँ लगाने वाले, तो इम्पल्स कितना होगा यहाँ पर, लेट मी कॉल दिस आई वन, वो क्या होगा एम वी टू माइनस वी वन। तो I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने बताया की कॉन्सेप्ट में, कि चेंज इन किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इम्पल्स। तो मास कितना है 4, V2 कितना हो जाता है इस पॉइंट पर आकर हो जाता है हमारे पास 3/4। कैसे हो जाता है, कि अगर एंगल थीटा है तो वेलोसिटी क्या होगा, ये 3/4, तो 3/4 माइनस V1 कितना है, V1 कितना है था 0, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हमें क्या निकालना है, इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू, इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू कितने सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर। इसके लिए V1 कितना था, V1 तो 0 था, नहीं सॉरी V1 0 है, V1 यहाँ पे देखो क्या बोला है, कि इम्पल्स बताना है इसके लिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V1, तो V1 है यहाँ पर हमारे पास 3/4 है, नॉट 0, 3/4, और V2 हो जाते हैं 0, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाती है, पोजिशन कॉन्स्टेंट हो जाए तो V2 0 हो जाता है। तो यहाँ I2 क्या हो जाएगा, यानी T इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर इम्पल्स होगा, एम V2 माइनस V1, वैल्यू पुट करेंगे तो 4, V2 कितना है 0, V1 कितना था माइनस 3/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो I2 की वैल्यू आएगी, I2 इज इक्वल टू माइनस 3 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पल्स एट T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो बेसिकली हमने क्या क्या फाइंड आउट किया इसमें, तो हमने देख लिया सो दैट एरिया अंडर ग्राफ, ये हमने देख लिया था, फिगर शोज फोर्स ऑन द पार्टिकल, तीनों पार्टिकल के फोर्स कितना आया था, 0 आया था। इम्पल्स एट T इज इक्वल टू हमने 0 देखा, T इज इक्वल टू 0 पे कितना था इम्पल्स था, ये कितना था 3 kg मीटर पर सेकेंड था, और इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना आया है, वो आया है मेरे पास कितना था, वो -3 kg मीटर पर सेकेंड था। तो दीज आर द फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।